हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं, मतलब आज वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक वीट फार्म। यस गाइस, आपने जो सही सुना, तो हम ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम वीट फार्म की तरफ। तो गाइस, मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ एंड आपको वीट फार्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। फर्स्ट पे तो कोई भी पसंद का ब्लॉक ले सकते हो एंड आपको चाहिए एक डिस्पेंसर, यस, एंड रेड स्टोन एंड आपको चाहिए एक बटन, कोई से ले सकते हो आप, एंड एक चाहिए रेड स्टोन रिपीटर, एक नहीं मतलब दो चार चाहिए, ऊपर चाहिए आपको, एंड आपको चाहिए चेस्ट चाहिए। एंड मैं थोड़ी ग्रास ब्लॉक ले लेता हूँ गाइस, मुझे जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, आपको ये सब चीज़ ले लेनी है एंड मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको 8 ब्लॉक तक लेना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ब्लॉक तक आपने ये ले लिया एंड एक ब्लॉक ऊपर करना है से गाइस, नीचे वाला ब्लॉक तोड़ देना अभी। तो आपको अब ये वाली लेन है, जो पहले तो 8 ब्लॉक वाली थी, अब ये 7 ब्लॉक लेनी है। एक वो हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई एंड देन आपको एक ब्लॉक और ऊपर करनी है। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो गाइस 7, 7 एंड 8 आपको ऐसे बना लेना। अब इस लाइन हटो, तो आपको 8, 7, 7 का बना लेना है। तो गाइस, मुझे इसके अंदर ग्रास भी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें ग्रास नहीं है, ये फ्लैट है। तो आप सर्वाइवल में खेलते हो वर्ल्ड में, तो आप इजीली बना सकते हो वहाँ पे। तो आपको ये कर लेना एंड आपको बता देता हूँ आपको कितने का स्पेस चाहिए। 1, 2, 3, 4 एंड 8 बीच में चाहिए, 4x4 का चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ पे। तो हमें 4x4 का चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 8 हो गया एंड इसको ऊपर उठाते हैं। ये सेम वैसे करना प्रोसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक्स्ट्रा एंड ऊपर, एक से तोड़ देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो गाइज आप ऐसे करके बना सकते हो। तो मैं फ्लैट तो मैं बना रहा हूँ, तो गाइज मुझे इसके नीचे ग्रास ब्लॉक भी लगाने पड़ेंगे, तो तभी तो मैं इसके वो कर सकूँगा, आई मीन क्या कहते हैं, तभी तो मैं खेती उगा सकूँगा। तो मैं गाइज फटाफट लगा देता हूँ, तो मैं वीडियो का स्किप कर देता हूँ, आप ब्लॉक बोर ना हो तो लगाते हैं। तो गाइज मैंने ग्रास ब्लॉक लगा लिया है, तो आपको ऐसे बनाना है, मतलब आप कैसे बना सकते हो, बट यहाँ पे ब्लॉक नहीं थे तो मैंने ऐसे बना लिए। एंड गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देने हैं, यहाँ पे क्लोज कर देना है मतलब ऊपर से। तो गाइज हो गया एंड आपको उसके बाद क्या करना है, पहले यहाँ से देखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसे तोड़ देना, 1, 2, 3, 4 4x4 का करके एंड बीच में तोड़ देना है। तो मैं गाइस तोड़ देता हूँ 1, 2 ऐसे करके आपको वहाँ तक तोड़ते रह जाना है। तोड़ दिया एंड नीचे भी तोड़ दो, तो आपको ऐसे करके लेके जाना है, ये लास्ट तक लेके जाना है। तो गाइस मैंने तोड़ दिया लास्ट तक, आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, आप इसके अंदर पानी भरना है, मैं पानी की बकेट निकाल लेता हूँ, ये देखो। तो गाइस ये देख सकते हो फ्लो करके नीचे जा रही है, देखो गाइस लास्ट तक पहुँच गई है। एंड आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है यहाँ से कि वीट इसमें जाके गिरे ना। गाइज मैं इसे क्लोज करूँगा तो ये भी हो जाएगा, डोंट वरी गाइज। आप नेक्स्ट बकेट यहाँ से डाल सकते हो,
इसे ऊपर से तोड़ दो, तो ऐसे करके आप डाल सकते हो, अच्छा भी लगेगा। अबे भाई सुअर भाई, ये मेरा फार्म बन रहा है, तेरा ठहरने का गार्डन नहीं है, निकल यहाँ से। तो गाइस आप ऐसे डाल सकते हो पानी, एक बकेट, अबे शिट, एक बकेट और डाल देनी है एंड यहाँ तक आ जाएगी, तो आपको ये भी क्लोज कर देना है। तो आपको क्लोज कर देना है एंड यहाँ से थोड़ी तोड़ फोड़ कर लेनी है आपको। एंड गाइस रुक जाओ, मैं एक बार देख लेता हूँ पानी क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने एक बकेट यहाँ डाल दी, तो आप देख सकते हो पानी फ्लो करके नीचे जा रहा है एंड लास्ट में आके यहाँ इस लास्ट ब्लॉक पर रुक जा रहा है जहाँ मैंने खोदा है, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही ऊपर से पानी आएगा और आपकी फसल एकदम कट के नीचे आ जाएगी। ऐसे कर लेना आपको, एक इधर से जो चार तरफ से खोद लेना आपको आराम से। मैं इधर से खोद के ब्लॉक लगा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ ब्लॉक लगा दिए, तो आपको करना क्या है, एक बकेट पानी की इधर से डालनी है, एक बकेट इधर से डालनी है एंड फ्लो गाइस बीच में आ रहा है, तो आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, ये वाली तोड़ देनी है। तो गाइस मैं एक बार इस पानी को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे होकर तो यहाँ पे आपको चेस्ट लगा देनी है। तो गाइस आप देख सकते हो आपने चेस्ट लगा दी, अगर स्लाइम तो आपको यहाँ थोड़ा छेद करना है एंड ऊपर आके क्राउच होके चेस्ट में, अबे सॉरी गाइस चेस्ट थोड़ी और नीचे लगेगी गाइस, सॉरी मैं भूल गया था, मतलब मुझे पता नहीं था, जो भी मान लो। तो थोड़ी चेस्ट नीचे लगानी है एंड यहाँ पे आके ऊपर इससे कनेक्ट कर देना। तो गाइस कनेक्ट हो गया एंड अब क्या करना है, से ब्लॉक से कवर कर देना। अभी चेस्ट के ऊपर जाने पानी जा रहा है, मैं इसका जुगाड़ कर लूँगा, रुक जाओ। तो आ गया, एंड आपको क्या करना है, जो स्टेयर्स होती है ये ले लेनी है, ब्लॉक्स को हटाओ, ये लगा देना। तो किससे पानी हटेगा, तो मैं लगाऊँ आप देख सकते हो मैं यहाँ से थोड़ा डिम कर देता हूँ। तो गाइस डे हो चुका है, तो आप देख सकते हो हमारी चेस्ट है यहाँ पे एंड मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कब स्टोन मतलब जो भी है मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। तो देखते ही बह के जा रही है नहीं जा रही है, काम करता हूँ लेके ये वाला भी पानी बंद कर देता। गाइस ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, देखो गाइस ये डायरेक्ट इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती थी। तो गाइस ये वर्किंग है, हमने टेस्ट कर लिया तो ये सही है एंड आपको क्या करना है इसके बाद, ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, जो डिस्पेंसर लिया आपको एक नाव तोड़ना, एक यहाँ पे गाइस आपने लगा दिया। आपको क्या करना है, इसमें रेड स्टोन लगा देना है। तो गाइस मुझे रेड स्टोन लगाने के लिए थोड़ा वो करना पड़ेगा, गाइस मैं इसे यूज करके देख लेता हूँ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
वाटर बकेट डालने के लिए। गाइस मैं वाटर बकेट ले लेता हूँ। फोर बकेट ले लिए हमने एंड हमें ये बकेट इसके अंदर डाल देनी है। एक दो तो डाल दिया गाइस, अभी इन्हें ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस ये वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप, पानी गया है एंड जाके यहाँ पे लास्ट में जाके अटैच हो गया है, तो देख सकते हो गाइस। एंड आपको इसे पानी वापस लेने के लिए एक बार और बटन दबाना पड़ेगा, तो गाइस ये पानी चला जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है, तो मैं इस बटन को तोड़ के और आगे तक देखता हूँ। इसमें पानी की बोतल डाल दे, मतलब बकेट डाल देता हूँ। अब दोनों को यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस दोनों वर्क कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ये दोनों वर्क कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे जो ये मैंने बनाया है ये बटन को मैं आगे लेके चलता हूँ। अरे क्या हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से ले जाने हैं। अबे हट ना, स्लाइम तंग कर रहा भाई, स्लाइम पिटने वाला हो रहा भाई। सॉरी गाइज, मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। आप अंडरग्राउंड भी लेके आ सकते हो, बट गाइज मैं अंडरग्राउंड नहीं लेके आ रहा। ओह सॉरी, अंडरग्राउंड कहाँ पे लेके जाऊँगा मैं। लास्ट तक आपको लेके जाने हैं, तो आप यहाँ पे एक बटन लगा सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लाके इसे तोड़ दो आप, एंड गाइज यहाँ पे लाके तो जुड़ गया। एंड यहाँ पे एक रिपीटर लगा दो गाइज, आप 10-12 मतलब आए लगाने के बाद तब एक रिपीटर लगा देना। यहाँ पे एक रिपीटर और लगाना है, एक रिपीटर यहाँ पे। तो गाइज मैंने थोड़ा दिक्कत हो गई, ये मैंने ऊपर कर दिया, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ये पानी लग जाएगा, इसमें रेडस्टोन ख़राब हो जाएगा या नहीं होगा, कोई बात नहीं। नीचे लगाते हैं रिपीटर इधर। आप गाइज 10 या 11 के बाद आप ये लगा देना। तो मैं एक रेडस्टोन यहाँ पे लगाता हूँ, एक बटन यहाँ पे लगाता हूँ, देखता हूँ वर्क कर रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो ये वर्क कर रहा है, एंड आप इसको दोबारा दबा के इसे बंद कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको फसल लगा के दिखाता हूँ, तो मुझे एक खोई चाहिए होगी, तो हम एक खोई ले लेते हैं। वो पहले खोई से हम वो कर लेते हैं इसे, तो गाइज हमने खोद दिया है। आप देख सकते हो मिट्टी मिट्टी भी गीली होने लग रही है, तो हम सीड्स ले लेते हैं थोड़े। हम तो वीट सीड ले लेते हैं, एंड अभी सीड्स को लगा देते हैं। गाइज मैंने सीड्स लगा दिए हैं, बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इनमें थोड़ी बोन मिल मार देता हूँ जो आपको दिखाने के लिए जल्दी उग जाए। अबे बोन मिल, ये जो जल्दी उग जाए इसलिए मैं इनमें बोन मिल लगा देता हूँ गाइज। अगर आपको बोन मिल चाहिए तो आप सर्वाइवल मोड खेल रहे हो, मतलब सर्वाइवल खेल रहे हो, तो बोन मिल बहुत आसानी से मिल जाती है। जो आप स्केलेटन को मारते हो, स्केलेटन की हड्डियाँ मिलती है ना, उस हड्डे को क्राफ्टिंग टेबल में रख दो एंड आपको बोन मिल मिल जाएगी आराम से। तो गाइस देख सकते हो बोन मिल से आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हो, आप कैरेट हो पटेटो हो जिसे चाहे उसे जल्दी बड़ा कर सकते हो। तो मैं इन्हें जल्दी से बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए।
भाई ये बड़ी हो गई है, तो गाइस आप देख सकते हो मैंने बना दिया है काम चलाने से पहले। तो मैं बटन दबाता हूँ एंड ऊपर से देख सकते हो गाइस, आपको दिखा देता हूँ मैं ऊपर जाके, तो गाइस देख सकते हो कट के आने लग गया है। एंड गाइस ये थोड़ी ऊपर रह रही है, तो आप यहाँ स्टेयर्स या एक ब्लॉक और लगा सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप लगाना चाहते हो नहीं लगाना तो सभी चाहेंगे। तो गाइस आप एक ब्लॉक और लगा सकते हो या वो ब्लॉक, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बीच में दिक्कत हो रही है, मतलब बीच में नहीं काट रही, तो जो मैं एक डिस्पेंसर यहाँ पे लगा देता हूँ। आप चार लगाना चाहो तो चार लगा सकते हो, नहीं तो और आप बाकी भी लगा सकते हो। मैं थोड़ी और बकेट ले लेता हूँ गाइस, जो वाटर बकेट की जरूरत पड़ रही है तब दिखाने के लिए आपको। तो चार ले लिया गाइस मैंने, एक इसमें डाल दिया ऑलरेडी, एक इसमें और डाल देता हूँ, यहाँ तोड़ देता हूँ, ज़्यादा की जरूरत नहीं होती गाइस, बट मैंने लगा दिया है बराबर करने के लिए। तो गाइस बंद हो चुके हैं, मैं इसे बंद करके दोबारा चलाता हूँ। तो गाइस थोड़ी दिक्कत हो गई, मुझे इसमें से पानी निकालना पड़ेगा पहले जो मैंने लगाई है, क्योंकि मैं बटन दबा रहा हूँ तो ये वाला चल जाता है, वो वाला बटन दबा रहा हूँ तो ये वाला चल जाता है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो पहले से बंद करो या साइज बंद हो गया, एंड देन आप इसमें डाल सकते हो बकेट। तो गाइस आप देख सकते हो डाल दिया है मैंने, अब इसे यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कति बिल्कुल सेम फ्लो आ रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो आपकी मर्जी हो तो, नहीं तो दो से ही काम चल जाएगा, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बंद कर देता हूँ मैं इसको एंड आपको दिखा देता हूँ बिट सारी इसके अंदर आ चुकी है गाइस। एंड गाइस आप थोड़ा इसे नीचे भी कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। गाइस अब यहाँ स्लैब जो चाहे वो लगा सकते हो, तो गाइस देख सकते हो इसमें ये सारी वीट आ रही है जितनी भी है। तो गाइस ये हमारा ऑटोमेटिक वीट फार्म तैयार हो चुका है, गाइस आप देख सकते हो हमारा वीट फार्म कितना अच्छा बना है। तो आपको यार हमारा वीट फार्म अच्छा लगा हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना यार, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपको माइनक्राफ्ट से रिलेटेड और नए अपडेट्स एंड चीज़ें बना ऑटोमेटिक चीज़ें देखनी हो, एंड हम पबजी की वीडियो भी डालते हैं थोड़ी बहुत, तो गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड नहीं यार ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले गेमिंग एपिसोड में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।